सो हेलो डियर ऑल, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए इसमें क्या होता है। एक एक्सपेरिमेंट है, अगर आपने उसमें सबसे पहले एक डाई को थ्रो करना है और अगर डाई को थ्रो करने के बाद उसमें मल्टीपल ऑफ 3 आ गया तो आपको एक डाई को फिर से थ्रो करना है। अरे यार, इसका अगर मैं सैम्पल स्पेस यहाँ देखूँ तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? वो बोल रहा है अगर आपने एक डाई को थ्रो किया और मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए। मल्टीपल ऑफ 3 होने का मतलब है जो 3 से आपका डिवाइड होता हो। तो अगर यहाँ पे 3 आ जाए या यहाँ पे 6 आ जाए बाई चांस, क्योंकि ये दोनों नंबर 3 के मल्टीपल में होते हैं यानी 3 से डिवाइड होते हैं, तो आपने एक डाई को फिर थ्रो किया। अब आपने एक डाई को फिर थ्रो किया तो हो सकता है इस बार डाई में 1 आ जाए, हो सकता है 3 के साथ 2 आ जाता, हो सकता था 3 के साथ 3 आ जाता, हो सकता था 3 के साथ 4 हो जाता, 3 के साथ 5 हो जाता, और 3 आने के बाद हो सकता था 6 आता। सेम वे नीचे भी ऐसे ही है, हो सकता है जब आपने फिर से डाई फेंका होता तो 6 के साथ 1 आता, या 6 के साथ 2 आता, या 6 के साथ 3 आता, 6 के साथ 4 आता, 6 के साथ 5 आता, या 6 के साथ 6 आता, है ना? यही पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये तो पहला कंडीशन हो गया। लेकिन अगर कोई भी और नंबर आता तो आपने कॉइन को टॉस किया होता। अब कोई भी और नंबर आने का मतलब ये है बाई चांस आपका 2 आता, आपका हो सकता था यहाँ पे 4 आ जाता, हो सकता था आपका यहाँ 5 आ जाता, और हो सकता था आपका 1 आ जाता। तो अगर 1, 2, 4, 5 में से कोई भी आता बाकी के बचे नंबर, तो आपने कॉइन को टॉस किया। अब हो सकता था 1 अगर आपका आता तो कॉइन में आपका टेल आ जाता, या हो सकता था आपका यहाँ पे हेड टेल में से कोई भी आ सकता था। सेम वे 2 के साथ हेड भी हो सकता था, 2 के साथ टेल भी हो सकता था, 4 के साथ हेड हो सकता था, 4 के साथ टेल भी हो सकता था, 5 के साथ हेड हो सकता था, या 5 के साथ टेल भी हो सकता था। तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास इतने ही बनते हैं इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि जो कॉइन है ना वो टेल दिखाए। तो इवेंट ए को मैं हमेशा वही ले रहा हूँ जो मुझे फाइंड करना होता है। और इवेंट ए, ए क्या बोलता है कि कम से कम भाई एक टेल तो दिखाई जाए यहाँ पे, है ना? तो एक टेल अगर यहाँ दिखाई जा रही है तो आपके पास कौन कौन से केस हैं? आपके पास केसेस हैं जो यहाँ पे निकलेंगे, वो निकलेगा 1t, आपके पास निकलेगा 2t, यहाँ निकलेगा 3t, और यहाँ निकलेगा 5t। फिर आता है इवेंट बी, वो इवेंट जो ऑलरेडी अकर हो चुका होता है। वो यहाँ पे क्या मांग रहा है? गिवन एटलीस्ट, एटलीस्ट एक डाई पे 3 आया हो, एटलीस्ट एक डाई पे 3 आया हो, तो हम देखते हैं कितने केस आते हैं। तो उसने बोला एटलीस्ट, एटलीस्ट यहाँ पे 1 डाई पे 3 आया हो, एटलीस्ट 3 शो हुआ हो, तो वो कितने सारे केसेस होंगे? बहुत सारे केसेस होंगे। आपका 3 1 आएगा, आपका 3 2 आएगा, आपका 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आ जाएगा, नीचे से आप देखो तो यहाँ पे 6 3 आ जाएगा, है ना? तो ये सारे वो केसेस हैं जहाँ पे कम से कम एक बार 3 आया है। लेकिन इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है कि जब आप यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, है ना, फॉर्मूले में ये होता है, तो नाउ यू गैस कैन सी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और बी में यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। सॉरी, दिस इज नॉट 3t, इट इज 4t। तो यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये क्या बना? एक एम्प्टी सेट, यानी 5 0 के इक्वल। तो जब आप इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी यहाँ पे क्या आने जा रहा है? 0, और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। सो दिस इज माय आंसर, होपफुली आपको क्लियर होगा। और ये क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ पाया, डेट इज़ वाई इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बन जाती है 0। तो क्वेश्चन क्लियर होगा।